आप देख रहे हैं टीएनबी। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों की 61 सीटों पर आज पांचवें चरण का चुनाव है। इस चरण में ज्यादातर धार्मिक जिले शामिल हैं। कई दशक तक चर्चा में रहा अयोध्या हो या फिर कुंभ की नगरी प्रयागराज, बुद्ध की नगरी कौशाम्बी हो या भगवान राम की कर्मभूमि चित्रकूट, इन सभी जिलों में इस चरण में मतदान चल रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पांचवें चरण का मतदान आज हो रहा है। इस चरण में प्रयागराज, अयोध्या, चित्रकूट, बाराबंकी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, अमेठी, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और सुल्तानपुर जिले के साथ रायबरेली जिले की एक सीट पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई। इन 12 जिलों की 61 सीटों पर इस बार 693 प्रत्याशी मैदान में हैं। सबसे ज्यादा प्रयागराज के प्रतापपुर सीट से 25 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सिराथू सीट पर भी इसी चरण में वोट डाले जाएंगे। जिन 61 सीटों पर चुनाव है, 2017 में उनमें से 47 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। 3 सीटें भाजपा गठबंधन वाले अपना दल में खाते में गई थी। वहीं 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 3 पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। 2 सीटें निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीती थी। इसमें से एक यूपी के बाहुबली कहे जाने वाले राजा भैया थे तो दूसरी पर उनके ही करीबी माने जाने वाले विनोद सोनकर थे। 1 सीट कांग्रेस के खाते में भी गई थी। तो आइए बताते कि पांचों चरण की 10 सबसे हॉट सीटें। नंबर 1 सिराथू। कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट इस चरण की सबसे हॉट सीट है। यहां से प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भाजपा ने मैदान में उतारा है। केशव के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक सिराथू पहुंच चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन और अपना दल की नेता पल्लवी पटेल को टिकट दिया है। पल्लवी के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव खुद प्रचार कर चुके हैं। जातिगत समीकरण के हिसाब से सिराथू में पटेल और मुस्लिम वोटर्स की संख्या काफी अधिक है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम चेहरे के तौर पर मुनसब अली और कांग्रेस ने सीमा देवी को अपना प्रत्याशी बनाया है। नंबर 2 अयोध्या। इस चुनाव में केवल यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजर अयोध्या सीट पर है। यहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की भी चर्चा चल रही थी। हालांकि बाद में भाजपा ने यहां से वेद प्रकाश को मैदान में उतारा है। सपा गठबंधन ने पूर्व मंत्री तेज नारायण और पवन पांडे पर फिर से भरोसा जताया। बसपा ने रवि प्रकाश और कांग्रेस ने रीता को टिकट दिया है। 2017 में यह सीट भाजपा के खाते में गई थी। नंबर 3 कुंडा। यहां से बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया मैदान में है। राजा भैया सन 1993 से लगातार यहां से जीत हासिल करते आए हैं। सपा गठबंधन की तरफ से इस सीट पर गुलशन यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। गुलशन कभी राजा भैया के खास रहे हैं। भाजपा ने सिंधुजा मिश्रा और बसपा ने मोहम्मद फहीम को टिकट दिया है। कांग्रेस ने योगेश कुमार को मैदान में उतारा है। नंबर 4 इलाहाबाद पश्चिम। यहां से योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह मैदान में हैं। सिद्धार्थ के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पूर्व छात्र संघ अध्यक्षा ऋचा सिंह को मैदान में उतारा है। बसपा ने गुलाम कादिर और कांग्रेस ने तस्लीम उद्दीन को टिकट दिया है। नंबर 5 इलाहाबाद दक्षिण। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी को फिर से मैदान में उतारा है। नंदी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण प्रत्याशी रईस चंद्र शुक्ला को टिकट दिया। बसपा ने देवेंद्र मिश्र नगराहा और कांग्रेस ने अल्पना निषाद को प्रत्याशी बनाया है। नंबर 6 रामपुर खास। प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट भी काफी अहम है। यहां से कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्र मोना को मैदान में फिर से उतारा है। मोना ने 2017 में भी इस सीट पर जीत हासिल की थी। मोना के खिलाफ भाजपा ने नागेश प्रताप सिंह उर्फ छोटे सरकार को टिकट दिया है। बसपा की तरफ से बांकेलाल पटेल मैदान में है। वहीं समाजवादी पार्टी ने मोना के समर्थन में इस सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारा है। नंबर 7 प्रतापगढ़। यहां से अपना दल की अध्यक्ष कृष्णा पटेल मैदान में है। कृष्णा पटेल इस बार समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस ने यहां से नीरज त्रिपाठी और बसपा ने आशुतोष त्रिपाठी को मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार यहां से राजेंद्र कुमार को टिकट दिया है। नंबर 8 जगदीशपुर SC। अमेठी की इस सीट से भाजपा ने योगी सरकार में राज्य मंत्री सुरेश पासी पर फिर से भरोसा जताया है। सुरेश योगी सरकार में गन्ना विकास राज्य मंत्री हैं। सुरेश के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने विमलेश कुमारी, बसपा ने जितेंद्र कुमार और कांग्रेस ने विजय कुमार को मैदान में उतारा है। नंबर 9 मनकापुर। गोंडा जिले में पड़ने वाले इस सीट से भाजपा ने योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री को फिर से मैदान में उतारा है।
रमापति योगी सरकार में समाज कल्याण मंत्री हैं। इनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने, रमेश चंद्र बसपा ने, श्याम नारायण और कांग्रेस ने संतोष कुमारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। नंबर 10 चित्रकूट, यहां से भाजपा ने योगी सरकार में राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय पर फिर से भरोसा जताया है। चंद्रिका के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अनिल प्रधान, बसपा ने पुष्पेंद्र सिंह और कांग्रेस ने निर्मला भारती को टिकट दिया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।